रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में। अगर आप भी हैं दसवीं पास, अगर आपने राजस्थान सीटी का एग्जाम नहीं दिया है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी अभी निकली है जिसका नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। 26,146 पोस्ट के लिए 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको पूरी जानकारी वाला मैंने एक वीडियो 2-3 दिन पहले अपलोड किया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, जिससे आपको पूरी जानकारी इसके बारे में पता चल जाए कि फिजिकल में क्या होगा, रिटर्न में क्या होगा, मेरिट कैसे बनती है, पेपर कैसा आता है, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है। उसके बाद आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CAPF ऑर्गेनाइजेशंस जिसकी ये वैकेंसी है उसमें आपको चॉइस कैसे भरना है, यानी कि BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, इनमें कांस्टेबल के लिए क्या सैलरी होती है, क्या इनकी सुविधाएं होती है, किस तरह से प्रमोशंस होते हैं, कितना समय लगता है, और आपको पहली चॉइस कौन सी फोर्स को देना चाहिए। मैंने देखा है ये कि कई बच्चों को जानकारी नहीं होती है, वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए परेशान रहते हैं कि मुझे तो BSF में जाना है, मुझे तो CISF में जाना है, मुझे तो CRPF में जाना है, लेकिन उनमें जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद आपको कैसी ड्यूटी मिलेगी, कैसा काम मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कि कब छुट्टियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी सिलेक्शन के बाद हमें निराश नहीं होना पड़े और हमें अपनी पसंद का काम करने का मौका मिले। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको भी पूरी जानकारी मिल सके। CAPF की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये संगठन है एसएससी जीडी वाली, इसके अंदर कौन कौन सी फोर्स आती है और उनकी चॉइस आपको कैसे भरनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनमें मैं इन चार चीजों के आधार पर यह चीज तुलना करूंगा कि एक तो ड्यूटी के आधार पर, दूसरा सैलरी के आधार पर, तीसरा सुविधाओं के हिसाब से, और चौथा प्रमोशंस के हिसाब से। तो ये आपको दी हुई है इसके अंदर, ये CAPF के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल और SSF। इसके अंदर इनके कोड इस तरह से दिए हुए हैं, BSF का कोड A है, इसका B है, C है, D है, E है, F है और H है। ये कोड आपको ध्यान से देखने हैं और चॉइस भरते समय आपको इनका जरूर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो जब तक आप बेरोजगार हैं तब तक आपको कुछ भी मिले इसमें से वो बेहतर है, फिर भी अगर चॉइस करने का मौका मिलता है तो हमें इन चारों के आधार पे आगे डिसाइड करना है। और मैं आपको एक आदर्श जो डिसीजन है जो आपका होना चाहिए, वो इन चारों की तुलना के आधार पे यहां बताने वाला हूं कि ये क्रम आपका हो सकता है। मैक्सिमम बच्चों को ये क्रम रखना सही रहेगा, क्योंकि मैंने इन चारों की तुलना के आधार पर देखा है। ड्यूटी जिस तरह का CAPF का काम है, ये ऑल इंडिया का है, इंडिया से बाहर भी जाने का मौका मिल सकता है। चाहे आप किसी भी फोर्स का चुनाव करें, इसमें से आपको असम राइफल्स का सिर्फ एरिया और SSF का एरिया, इन दो का थोड़ा सा सीमित है। असम राइफल्स है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में ज्यादा है, बाकी जगह भी है, दिल्ली में भी है और भी कई जगह है, बट ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में है, और SSF दिल्ली में है, सिर्फ दिल्ली में है। बाकी जो बच गई ऊपर वाली जो पांच फोर्स जो बच गई, ये सारी ऑल इंडिया की फोर्स है, जो भारत में कहीं भी इनको जाने का मौका मिल सकता है। और संयोगवश कई लोगों को हर टेन्योर के अंदर, पूरी सर्विस के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग मिलती है, बहुत से लोगों को इनमें टफ कंडीशंस में भी मौका मिल सकता है। वो आपके भाग्य पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ ऊपर वाले ने बता रखा है कि कहाँ आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसके बाद सैलरी लगभग सबकी एक जैसी है, कोई थोड़ा बहुत अलाउंसेज का अंतर हो सकता है एरिया के अनुसार। J&K में नॉर्थ ईस्ट के अंदर थोड़ा सा अलाउंस ज्यादा है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में जब आप डिप्लॉय होंगे तो वहां भी थोड़ा सा सैलरी का अंतर होता है। बाकी ऑल इंडिया में जो बेसिक सैलरी है वो एक ही होती है पूरी सारी इन सारी फोर्सेज की। इसके बाद सुविधाओं की बात करें तो अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं। सुविधाओं में सबसे इंपॉर्टेंट सुविधा होती है कि फैमिली आप कहाँ साथ रख सकते हैं। फैमिली साथ रखने के लिए, परिवार के साथ रहने के लिए दो तरह की कंडीशन बनती है। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आप हमेशा साथ रख सकते हैं, यानी कि जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी वहीं आप अपने परिवार को, बच्चों को साथ रख सकते हो। और दूसरा, अगर आपकी पोस्टिंग चाहे कहीं भी है, लेकिन आप इनके जो ऑफिस होते हैं, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस जहाँ होते हैं,
जहां इनके ग्रुप सेंटर्स होते हैं, फ्रंटियर ऑफिस होते हैं, वहां आपको फैमिली परमिशन होती है, वहां आप परिवार को साथ रख सकते हो। तो दोनों कंडीशंस में से बेहतर ये होता है कि जहां भी आपकी पोस्टिंग हो वहां आप अपने बच्चों को साथ रख सके। तो इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले बीएसएफ के अंदर फैमिली क्वार्टर्स मिल जाते हैं, लगभग सीआईएसएफ के अंदर ज्यादा संभावनाएं होती है, सीआरपीएफ के अंदर 50-50% चांस होते हैं साथ रखने की, संभावनाएं बहुत कम होती है, लगभग 10% होती है, 90% आप अलग रख सकते हो। इसके बाद एसएसबी के अंदर भी 50-50% चांस होते हैं, आईटीबीपी के अंदर भी 20% चांस होते हैं रख सकते हैं आप। इसके बाद असम राइफल इसमें भी आप रख सकते हैं, और एसएसएफ के अंदर सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। अब इसके बाद बात करूं मैं प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस देखिए डिपेंड करता है कि कौन से फोर्स कितना विस्तार हो रहा है उस फोर्स का, और ये आपके भाग्य पे डिपेंड करता है। कई बार किसी फोर्स के अंदर फास्ट प्रमोशन होता है, किसी में धीरे होते हैं, तो इस वाले एंगल से तो हम सोच ही नहीं सकते कि प्रमोशन हमारा हेड कांस्टेबल जैसे, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल आप कितने समय के बाद बनेंगे, तो ये तो बाद में पता चलता है, क्योंकि 15-20 साल के बाद में जब आप हेड कांस्टेबल तक जाते हैं तो उस समय तक पता नहीं कौन सी फोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जिसकी वैकेंसी ज्यादा होती है। जैसे इसी वैकेंसी की मैं बात करूं तो इसमें अभी 11,000 से ज्यादा पोस्ट है वो सीआईएसएफ की है, 26,146 जो वैकेंसी है उसमें 11,000 से ज्यादा ओनली सीआईएसएफ की है। इसका मतलब सीआईएसएफ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अब वो किस वजह से है, कहाँ इसकी ज्यादा आवश्यकता होगी। ऐसे ही अगर किसी फोर्स की अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा बटालियंस अगर नई बन जाती है, तो आप प्रमोशंस फास्ट हो जाते हैं और कई बार प्रमोशन धीरे भी हो जाते हैं। इनके काम है वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि कौन सी फोर्स क्या काम करती है। देखिए बीएसएफ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये भारत पाक, भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करती है, हमारी सेना के साथ सपोर्ट करके काम करती है। इसके बाद सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, भारत के जो बड़े बड़े उपक्रम हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो लिमिटेड इंडस्ट्री है। इसके बाद जो वीआईपी सिक्योरिटी है कुछ एरिए में, साथ में मेट्रो स्टेशंस हैं और एयरपोर्ट है, इसकी सिक्योरिटी का काम सीआईएसएफ के पास है, जहां इनकी ड्यूटियां होती है वो शिफ्ट वाइज होती है और सुविधाएं अच्छी होती है। इसके बाद सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, तो ये भी नाम में ही पता चल रहा है कि केंद्र की जो रिजर्व पुलिस है, तो जिस स्टेट के अंदर कोई पुलिस वहां की कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ होती है, उसको अगर हेल्प की जरूरत होती है, तो उस कंडीशंस में सीआरपीएफ को वहां लगाया जाता है। साथ में इलेक्शन ड्यूटीज का सबसे बड़ा रोल है वो सीआरपीएफ का ही है, बाकी फोर्सेज भी होती है इलेक्शन ड्यूटी में, बट सबसे ज्यादा रोल सीआरपीएफ का होता है। उसके बाद एसएसबी, तो एसएसबी जो नेपाल भूटान का जो बॉर्डर वाला एरिया है, उस एरिया में जागरूकता फैलाने के लिए इसको तैयार किया गया था, और अब तो हर तरह के काम में इसको लिया जाता है। उसके बाद में आईटीबीपी, ये भी नाम से पता चल रहा है, इंडिया का तिब्बत का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करती है, लेह लद्दाख वाले एरिया में ज्यादातर उसी एरिया को संभालती है, तो ये भी सेना के साथ मिलके पूरा सारी चीजें देखती है। और उसके बाद असम राइफल्स, जो नाम से पता है कि ये असम राइफल है, वो भी सबसे पुरानी सीएपीएफ है, और ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे 6-7 जो स्टेट है उन्हीं के अंदर ज्यादातर इनकी ड्यूटीज होती है। और एसएसएफ, ये भी नया फोर्स तैयार हुआ है, और इसका मतलब है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, और ये सचिवालय की सुरक्षा के लिए दिल्ली में तैयार किया गया है, तो ये इनमें लगभग सबसे अच्छा जॉब है। अब ये सारी जॉब देखने के बाद आपको किस तरह का जॉब पसंद है, आपको कैसा काम करना पसंद है, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। बट एक आदर्श जो चॉइस हो सकती है, जिसमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके और मैंने ये चॉइस तैयार की है, तो जिन बच्चों को ज्यादा पता नहीं है, अभी भी जिन बच्चों का दिमाग का डाउट ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, तो वो इस क्रम को अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप एसएसएफ को दे सकते हैं, और ये सिर्फ टॉपर्स को ही मिलती है, ये चॉइस आपको मिलती है आपकी मेरिट के अनुसार, जितने आपके रिटर्न एग्जाम में ज्यादा अच्छे नंबर होंगे उसी के आधार पे आपकी चॉइस को ध्यान में रख के आपको ये फोर्स अलॉट की जाएंगी। तो सबसे पहले आप एसएसएफ को रख सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में इसका जॉब है, जो जिसमें आपको पढ़ाई का भी आगे मौका मिल सकता है, जो बच्चे साथ में पढ़ाई करने वाले हैं, सुविधाओं के मामले में भी, छुट्टी के मामले में भी, ऑफिस का काम ज्यादातर होगा इसमें, तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद में सीआईएसएफ दूसरे नंबर पे आप रख सकते हो, जब तक ये एसएसएफ
इसमें शामिल नहीं था तब तक सबसे अच्छा जॉब CISF का माना जाता था, तो अब आप इसको दूसरे नंबर पे रख सकते हो CISF को। इसके बाद में BSF को आप तीसरे नंबर पे रख सकते हो। BSF के अंदर भी सुविधाएं अच्छी हैं, कैंटीन सुविधाएं भी है, धीरे धीरे और भी फैमिली क्वार्टर्स की सुविधाएं भी अच्छी तैयार हो रही है, तो BSF को भी आप तीसरे नंबर पे रख सकते हो। और उसके बाद में ये जो तीन फोर्स है ये लगभग तीनों का एक जैसा ही लेवल है, SSB, ITBP और CRPF। इनमें से क्रम आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन ये तीन के बाद ही आपको भरना है, और लास्ट में आप असम राइफल्स को रख सकते हो। इस तरह से आप ये क्रम अपना भर सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर आपको पहले से इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। इससे संबंधित अगर और भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर इस नंबर पे ऊपर जो अकेडमी का नंबर दिख रहा है, या आप कॉल भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।